आंदोलन सड़कों पर चलते रहेंगे। ये आज आखिरी आंदोलन नहीं है, आंदोलन जब तक होता रहेगा, जब तक बेरोजगार को रोजगार नहीं मिल जाता, मजदूर को खाने पेट भर मजदूरी नहीं मिल जाती या किसान को उसका हक नहीं मिल जाता। आज स्वास्थ्य सब ठेके पे दे दिया, रोजगार की कोई गारंटी नहीं, शिक्षा पट कर दी, वो सब निजी हाथों में दे दी। आज इतना बर्बाद है आम आदमी और वो जाग चुका है। ये आंदोलन चलते रहेंगे, सरकार भ्रम में है कि हम दबा लेंगे, ये हिटलर शाही नहीं चलेगी। लेकिन सरकार में तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। पड़ेगा, फर्क तो पड़ता है भाई, वो डायलॉग सुना है तो फर्क तो पड़ता है भाई। जरा पूछ कर मोदी जी से पूछ कर तो देखियो, एकांत में अमित शाह जी से, इन नेताओं से पूछ कर तो देखो, जो आम विधायक है ना पार्टी का, छोटा सा विधायक है, उससे पूछ के देखियो, इनकी पेट में गुड़ गुड़ हो रही है। कहाँ गुड़ हो रही है, वो हरियाणा में खट्टर की गोद में जाकर बैठ के सारा विधायक। कोई बात नहीं, वो माल इतना कमा लिया उन्होंने कि अगर वो विरोध करते हैं तो जेल जाएंगे। ये तो चलता आया है, सरकार कांग्रेस की हुई तो भाजपा वालों को डराव रखा है, रुके जेल जाओगे क्या, जब कांग्रेस की सरकार आई, भाजपा की सरकार आई तो कांग्रेस को डरा दिया, जेल भेज देंगे, चुप बैठो, सारा विपक्ष चुप बैठ गया। आज केवल किसान और मजदूर जागा हुआ है, ये विपक्ष सब डरा हुआ है कि हम जेल चले जाएंगे, माल इतना मार रखा है इन्होंने। लेकिन जो जनता के प्रतिनिधित्व करते हैं वो तो आपका साथ नहीं दे रहे ना, तो कैसे जीतोगे? जनता का प्रतिनिधित्व करने की उनको ताकत किसने दी थी? जनता ने, तो जनता उनको उखाड़ भी फेंकेगी। 4 साल का इंतजार कर लो भाई, 1 साल का इंतजार कर लो भाई, हम बैठे हैं, जाएंगे नहीं, हम बैठे हैं इस देश में। जब जब आफत आई है, किसान और मजदूरों ने इस देश को की सुरक्षा की है, ये दिखाई नहीं देंगे, हम ही दिखाई देंगे। तो अब आफत आई हुई है आपको लगता? बिल्कुल, बताओ कौन सा पढ़ा लिखा जो युवा है वो रोजगार पा रहा है, कौन से सरकारी अस्पताल में इलाज हो रहा है? आज अगर एक बुखार में आदमी चला जाए तो वहाँ से 8 दिन में स्ट्रेचर पे आएगा, एम्बुलेंस में आपको प्राइवेट में कहीं ले जाना पड़ेगा, और प्राइवेट वाले यूँ कह रहे हैं घर बेच रहे, रुक लिया। लेकिन तो अब एक बताइए, किसान सड़कों पर हैं, बेरोजगार सड़कों पर हैं, छात्र सड़कों पर हैं, अब तो सरकारी कर्मचारी भी सड़कों पर हैं, सरकार को वोट बैंक का डर नहीं लग रहा कि मेरा वोट बैंक? भैया अडानी अडवानी ने इतना खजाना लुटाया इन पे कि इन्हें बम से उड़ा के यूँ कह देंगे वो मार गया पाकिस्तान, वो मार गया, इसलिए डर रहे हैं, ये मरने से डर रहे हैं। और ये पूंजीपति जो हैं, ये हाईजैक करते हैं, ये सरकार बनाते हैं, ये सरकार बिगाड़ते हैं। मुझे सरकार के हाथ में बात नहीं है, सरकार तो कठपुतली है, 100 की 1 समझ में नहीं आया अभी तक आपको? अगर मोदी जी को वोट चाहिए होता तो अब तक तो 50 बार आ जाते, लेकिन डरे हुए हैं मेरे भाई, वोट उनको कुछ देगा नहीं तो किसान कैसे मनाएंगे सरकार को, ये बताओ। हम तो, हमारे पास तो केवल आंदोलन है, मर जाएंगे, खूनी क्रांति होगी। लेकिन 4 महीने हो गए पूरे, कोई बात नहीं, सबर का फल मीठा हो। अभी जो बुद्धिजीवी ना इस देश के, वो यूँ कह रहे हैं तुमने जो अभी जो है मतलब खूनी क्रांति शुरू कर दी। अरे भैया, हम 1 साल 2 साल 4 साल बैठेंगे, हम एक एक आदमी जब तक हमारे साथ नहीं आएगा देश का, जब तक हम यहाँ बैठे हैं। लेकिन पहले सरकार ने आपको खालिस्तानी कहा, पाकिस्तानी कहा, क्या क्या कहा? ये तो यूँ कह रहे थे हम ही देशभक्त हैं, इस मुखालते में हम भी आ गए, क्योंकि 1000 बार इन्होंने कहा सब, तो ये बाकी पार्टियां तो चोर हैं, हमें भी दिख रहा था भाई चोर हैं, और हम ही देशभक्त हैं। अब जब पता लगा सबसे बड़े चोर यही है, कह रहे बेरुपिया ये लोग, बेरुपिया कह रहे तो हम, पता लग जाएगा ना, पता लग जाएगा। एक दिन टिकैत साहब को यहाँ गिरफ्तार करने की कोशिश तो करी थी, आंदोलन उखाड़ने की कोशिश तो करी थी, उसी दिन पता लग गया था कि ये बेरुपिया बैठे हैं या किसान बैठे हैं, मजदूर बैठे हैं यहाँ पे। इस कड़वी सच्चाई से नहीं भाग सकते आप या हम या सरकार, कह रहे ममता के लठैत बन के गए बंगाल में, हम ये किसान ममता के लठैत बन के गए बंगाल, लठैत इन्होंने भेजे हैं, और अपने आदमियों को खुद मारे और कह दें ममता ने मार दिया या किसानों ने मार दिया या किसी और ने मार दिया। क्या लग रहा है जो चुनाव होने वाले हैं? अभी तक तो जो हमारे 43 जवान शहीद हुए थे उसकी कोई जांच का कोई अभी किसी को सजा नहीं मिली है, उसमें भयंकर। अगर आपसे सरकार नहीं चलती, आपसे सुरक्षा नहीं होती अपने जवानों की, तो इस्तीफा क्यों नहीं देते? इन्हें पुलिस वालों को, इन्हें फौजियों को मरने के लिए क्यों छोड़ रहे हो?
राजनीति कर रहे हो? पहले तो आप ही कहते हैं मजबूत हाथों में देश। भाई हमें भी तो मुखालता लग गया ना, ये देशभक्त बताऊं अपने आपको, क्योंकि सारी पार्टी बाकी चोर थी, हमने सोचा यही देशभक्त है। तो आप विकल्प मिल गया आपका? आप विकल्प मिल गया? आप विकल्प क्या मिल गया? अभी पता लगा सबसे बड़े चोर है, पहले तो इनसे लड़ाई करनी है, तब अपने बीच में देखेंगे किसी को प्रतिनिधि चुनने के लिए। पहले तो आप कहते विकल्प नहीं था, अब विकल्प मिल गया क्या? कहाँ विकल्प मिल गया? किसको चुनोगे? अपने आप में से चुनेंगे किसी को, थोड़े खड़े किसान तो मना करते राजनीति में जाने को। आजी भाई राजनीति पार्टी अलग नहीं बन सकती किसानों की, क्यों नहीं बन सकती? फिर यूनियन तो अपनी जगह है, यूनियन तो भाई गलती तो अपने आदमी भी कर सकते हैं, तो उसके लड़ने के लिए यूनियन रहेगी। तो आपको लगता राजनीति में जरूरी है जाना अगर सिस्टम को सुधारना? भाई जब सिस्टम भी संविधान ही ऐसा है तो ऐसे तो करना ही पड़ेगा। तो किसान क्यों डरते हैं फिर राजनीति से, क्यों पीछे हटते, कहते दंडल है? कौन कह रहा है ये हाईजैक कर ले हमारे किसानों को? क्या किसान नेता विधायक एमपी है नहीं हमारे? कहाँ है, कोई साथ तो है नहीं? साथ नहीं आ रहा बेचारों ने, फिर दौलत उनके भाई उनकी जाति में पहुंच गए ना, वे हमारी जाति से निकल गए जैसे उनके पास धन आ गया, जैसे सरकार में आए। हाँ तो धन इकट्ठा कर लिया तो अब डरते हैं, क्योंकि जेल चले जाएंगे अगर उनके सत्ता पक्ष में रहेंगे तो, जेल से बचे रहेंगे। तो क्या उम्मीद की जा सकती है जेपी आंदोलन से पार्टी निकली, अन्ना आंदोलन से पार्टी निकली, इस आंदोलन से निकली कोई पार्टी? नहीं ये बात का विषय है, अभी तो अपनी जो रोजी रोटी तो बचा लें, अभी हमें मतलब रोटी तो खाने को नहीं मिल रही, अभी क्यों सोचने के वक्त ही नहीं हमारे पास, अभी तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी हम अपनी जमीनें देख रहे हैं कैसे बचेंगी, अभी हम अपने बच्चों को रोजगार देख रहे हैं कैसे मिलेंगे जो सड़कों पे घूम रहे हैं पढ़ लिख के। अंदर जाओगे तभी तो बचा पाओगे, सिस्टम तो ओहो अभी सिस्टम तो कांपता है, ये यूनियन वैसे ही थोड़ा ही झक थोड़ी मारे हैं, ये ट्रेड यूनियन की वजह से आज सम्मानजनक तनख्वाह मिलती है लिमिटेड कंपनियों के वर्करों को, मिलती थी क्या? जीने लायक पैसे देवे था, दो वक्त की रोटी मुश्किल से बनती थी, सेठ इतने परेशान करते थे वर्करों को। इस टाइम तो सारी यूनियन बेअसर हो रही है, तो असर हो रही है सब। कोई बात नहीं, होता है बदलाव, ऐसा नहीं रहेगा, 100 की एक सुन लो, बदलाव प्रकृति का नियम है, ये भी चढ़े थे शिखर पे फर्श पे आ जाएंगे, ये मैं आज लिख के दे रहा हूँ, और जब तक मैं बैठा हूँ यहाँ पे, मैं बैठा रहूँगा जब तक मैं हो सके, मैं जिंदा रहूँ, मैं अपने बच्चों को बता के जाऊँगा ये नहीं रहेंगे। आप सुन लो बस, आपने भी कहा कि रोजगार नहीं दिया इन्होंने, बंगाल में तो दे रहे हैं वो रोजगार। मैं क्या कह रहा हूँ अभी आपसे समझ में नहीं आया, सारी पार्टियाँ चोर है, ये सारे जो राजनीति में पहुँच गया वो उनकी जाति में पहुँच गया, ये फिर गरीबों की नहीं देखते, दो जाति हैं इस देश में, एक अमीरी की एक गरीबी की। वहाँ नौकरी गारंटी से लेके दे दी, तो वहाँ उनको नौकरी दे रहे हैं, तो उनका देंगे नहीं, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलना, सब सुखी रहेंगे अच्छे दिन आगे क्या बताओ आप? आप भैया जैसे यहाँ पे कितनी धूप में कवर कर रहे हो, काम इनका झूठ बोल, सम्मानजनक पैसे नहीं मिलते होंगे ये मैं गारंटी देता हूँ, ये कहते थे अच्छे दिन आने वाले हैं, आपको किस किस की गुलामी करके ये माइक मिला होगा मैं जानता हूँ, मैं कर चुका हूँ ये सब, 50 साल की उम्र है मेरी, ट्रेड यूनियन से जुड़े दिखाओ। मैं जनता से जुड़ा हुआ हूँ, मैं पढ़ता रहता हूँ, इसलिए मुझे ट्रेड यूनियन का पता है कि उन्होंने क्या क्या करके क्या क्या चीज हासिल करी है, कितनी कुर्बानियां की है, कितने लोगों ने गोली खाई है। जब अभी भाई साहब मोटी मोटी सुन लो, कोई राजनेता खास तौर से सुना दियो इस बात को, जब अपनी तनख्वाह बढ़ावे की इसे पूछे, और हम फसल की MSP की गारंटी ले रहे हैं ओनली, हमें गोली खानी पड़ती है, हमें पुलिस की पोछारे खानी पड़ती हैं पानी की, हमें धूप में बैठना पड़ता है, हमें ओले सिर पे पड़ते हैं, हम सर्दियों में बैठे हैं, बारिश आती तो हमारे डेरों में पानी घुस जाता है, किस लिए? दो वक्त की रोटी मांगने के लिए। आज कितनी तनख्वाह है विधायक की MP की, और पेंशन भी है सरकारी आदमियों की खत्म कर दी, जो धूप में बैठे हैं पुलिस वाले खड़े, और ये जो कर्मचारी जो 12-12 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, तो इनकी पेंशन बंद कर दी, अपनी क्यों नहीं करी भाई? एक दिन विधायक रह जा, कोई दो दिन विधायक रह जा, उसकी पेंशन गारंटी है, जेल में बांधो उनकी भी पेंशन मिल रही है, जो जेल में है उनकी जाति के है ना वे, इसलिए पेंशन मिल रही है। भाई हम दो वक्त की रोटी मांगने के लिए लटका रहे हैं, और वो अपनी तनख्वाह बैठ के मन मर्जी से बढ़ा रहे हैं, अपनी पेंशन बढ़ा रहे हैं, अपना TADA बढ़ा रहे हैं, हमें क्या मिल रहा भाई? हम दो वक्त की रोटी के लिए बैठे हैं, जाकर देख लो मेरा घर को छान के देखो, मैं क्या करता हूँ, कैसे रोटी कमाता हूँ, और आज यहाँ कैसे बैठा हूँ, और इनका इनकी इतिहास सुन लो, अफसर हो नेता हो, इनके 100-100 बीघे के फार्म हैं,
जमीने खरीद ली दल नोट इकट्ठे कर करके छोटे किसान तो खत्म कर लिए, छोटे किसान खत्म कर लिए जो दो दो चार चार बीघे वाले सबकी खरीद ली।